घंटे से क्या था पूरा मामला? बलुआ थाना में संभलता में दो बसों में कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को चोट लगी थी और योग पहले से पहले देखा। मरने के बाद उसका 304 ITC में तरमीम किया गया था। उसी को लेकर कुछ लोगों ने यहाँ बात की स्थिति उत्पन्न की थी। अब सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं और उसमें एक आदमी गिरफ्तार भी हो चुका है। सारी कार्यवाही की जा रही, दिक्कत प्रक्रिया पूर्ण करके चल रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि बलुआ पुलिस मामले को लेकर हीला हवाली कर रही है, हम लोग काफ़ी कमजोर है, ऐसा क्या हो जाता है कि बार बार लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है? नहीं, जिन लोगों के विरुद्ध उन्होंने दिया हुआ है उन लोगों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन इसमें पुलिस की भूमिका कहीं भी कमजोर पाई जाएगी तो उसमें अच्छी जाँच करा करके कर्मचारी। एडिशनल साहब, 1.5 घंटे तक हाईवे जाम रहा, इसमें एम्बुलेंस वगैरह भी फंसी रही, तो क्या जाम करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है क्या? अवश्य, उसमें देखा जाएगा जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी। 1 घंटे तो नहीं हुआ था लेकिन कुछ समय था जाम, इसके लिए विधिक कार्रवाई है। मामला है किसकी लाश है और तुम लोगों ने सड़क जाम किया हुआ है? वो क्या हमारा बड़े भाई था, उसी की लाश है। कैसे, क्या घटना घटी थी? वो हमारा भाई हमारा गया था शाम को मछली मारने, और जब मछली मारने जब 12 बजे करीब उन सब मारे, भाई को बुलाकर मारे, कहे भैया यहाँ पर आओ मछली चारा। कौन मारा बेटा? शंकर मारे। मारने के बाद आप लोग शंकर के लड़के लड़का मारे हैं। थाने गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग थाने गए थे। क्या हुआ वहाँ? आपका पुलिस बहुत दतवा कर रहे थे, कुकुर की नियत भगा रहे थे, कुछ दतवा नहीं किए, कुछ सुने भी नहीं, सब भगा दिए और गाड़ी में बैठा के जाओ जाओ अपने घर सब भेज दिए। अभी बेटा तुम लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम किया हुआ है, क्या मांग है जिला प्रशासन से? हमको कुछ नहीं मांग है, हमको जैसे वो हमारे भाई को मारा है वैसे उसको फांसी चाहिए, उसको चढ़ाने चढ़ाइए और उसे मारिए जैसे हमारे भाई